नाज़रीन, कुकिंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट समर खान। जी हाँ नाज़रीन, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आप लोग को भी जाइए, सर्दी को एंजॉय करें। और हमारे किचन में पक रहा है क्या जो मुझे नहीं पता, जो आके बताएंगी मेरी किचन की एक्सपर्ट, मेरी किचन की क्वीन शेफ खतीजा। वेलकम खैफ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सुनाएं, कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बहुत बेटर हैगी और आराम बिल्कुल नहीं मिला, ये पूरा वीक फिर काम के लिए गया। भाई आपको पता है, आपके बगैर तो मैंने जो दो दिन गुजारे हैं ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो, मुझे मिस कर रही थी आप बहुत ज्यादा। मैं तो कह रही थी अपने ऑडियंस को, मैंने कहा दुआ कीजिए जल्दी वापस आ जाए। यकीन माने मेरा गला बिल्कुल बंद था और मैं आती भी ना तो आप लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते, आप भी बर्दाश्त नहीं करती, तो मैंने बेटर समझा कि मैं रेस्ट करूं। और आप करें। हमने आपको कॉल नहीं की, हमने कहा आप रेस्ट करें। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन वो शो बहुत अच्छा गया आपका, मैंने देखा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब, ठीक होंगे उम्मीद है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो और सुनाए, आप लोगों का मौसम कैसा जा रहा है सर्दियों का? लाहौर में तो बहुत ठंड पड़ रही है सुनने में तो आ रही है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में तो बस बहुत ज्यादा हो रही है, और यहाँ तक कि मैं तो ये सुना लाहौर में इतनी ज्यादा फोक पड़ रही है जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, उनकी तो छुट्टियाँ भी करवाई गई हैं स्कूल से। तो ये तो बहुत ज्यादा वहाँ पे चल रही है बीमारी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कराची में ऐसा है नहीं। हमारे कराची में मौसम ही बहुत प्यारा है कि सुबह के टाइम धूप, रात में जरा थोड़ी सर्दी आ जाती है। कराची में सर्दियां नाम की आती है, हम लोग कपड़े निकालते हैं सर्दियों के और सर्दियां चली जाती है। रात को बच्चे बोलते हैं मम्मा स्वेटर निकाले, मैंने कहा खुदा का खौफ करो अभी कौन सी सर्दी आ गई है। यानी कि यहाँ पे ये हाल है कि हम स्वेटर निकालने का सोचेंगे सर्दी चली जाएगी। लेकिन हाँ ये तो कि जब बच्चों की छुट्टियां होती है उसके बाद सही की सर्दियां होती है। हाँ ये जरूर है, ये तो है हर साल। लेकिन जब बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाती है, स्कूल स्टार्ट होते हैं, तब ज्यादा सर्दी आ जाती है। तब हम लोग हंसते हैं कि लो जी ये क्या बात है, या तो बंदा पहले छुट्टियां दे जब क्या नाम है सर्दियां इतनी होनी चाहिए, जब सर्दियां नहीं होती तब छुट्टियां दे देते हैं बच्चों को। बिल्कुल। चले जी आते हैं रेसिपी की तरफ, बहुत बातें हो गई हैं। आज मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ, मैं कोफ्ते बना रही हूँ। मैंने कहा आज अंडे कोफ्ते बना लेते हैं, सर्दियां जो आ गई तो अंडे भी खाए जाएंगे इस तरह। तो अंडे कोफ्ते बनाएंगे हम फर्स्ट रेसिपी। मीठे में क्या बनेगा वो आपको मैं बाद में बता दूंगी, मीठे में बाद में पता चलेगा। हाँ, जो मेरा फेवरेट है। बट खदीजा आप मुझे बताएंगी कोफ्ते जो आप बना रही हैं वो चिकन के हैं, बीफ के हैं, मटन के? देखिए अगर मैं बोलूं बीफ के हैं तो आप बोलेंगे नो 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 नो, नहीं नहीं बीफ तो खाऊंगी, बीफ तो खाऊंगी, मटन नहीं। तो भाई मैं आज बना रही हूँ मटन के कोफ्ते, आज मैं भूखी रहूंगी, रोजा है मेरा। तो बस जी इनका रोजा हमारा नहीं, हम खा सकते हैं। तो हम बना रहे हैं मटन के कोफ्ते बना रहे हैं, उसके लिए ये सारी चीजें मैंने रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए कीमा है मेरे पास 500 ग्राम है ये, ठीक है। इसको इस तरह से मैंने ना पिसवा लिया अच्छी तरह से, लेकिन हम इसको फिर भी ग्राइंडर करेंगे क्योंकि सारी चीजें डाल के इसको अच्छी तरह से हमने चॉप करना है, ठीक है जी। 500 ग्राम मेरे पास कीमा है। नमक ले लेंगे हम 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला लेंगे 1/2 टीस्पून। इस पे मैंने डालनी है देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। अच्छा मैंने ये जो आपको स्पाइसेस बता रही हूँ ना, ये हम करेंगे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अभी जो 1 टीस्पून है वो हम डालेंगे कीमे में, और एक ही जो 1 टीस्पून होंगे वो हम डालेंगे ग्रेवी के अंदर। तो ये तकरीबन मैंने समझ लीजिए कि 1 टेबलस्पून ही निकाले हमें, लेकिन हम इसमें हाफ डालेंगे, हाफ हम ग्रेवी में डाल देंगे, ठीक है। धनिया पाउडर मेरे पास 1 टेबलस्पून है, इसमें से हाफ हम इसमें डालेंगे, हाफ ही उसी में डालेंगे। अच्छा ये मेरे पास बादाम का पाउडर है, बादाम का पाउडर आप ले लीजिएगा, 10 से 12 बादाम लीजिएगा, उसका पाउडर बना लीजिएगा, ये 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है और एक हमने डालेंगे ग्रेवी के अंदर, ठीक है। ये है मेरे पास चने का आटा, चने जो भुने हुए चने होते हैं ना उनके छिलके उतार के उसके इस तरह से आपने ना पीस लेना, पाउडर बना लेना, ठीक है। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून, तो वही आपको मैंने बताना, एक हम इसमें डालेंगे, एक हम ग्रेवी में डाल देंगे। दही है हमारे पास 1 कप, पानी हम यूज़ करेंगे हस्बैंड जरूरत जितना मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा खदीजा मुझे बताइएगा ये सेम जो मसाले हैं वो इंग्रेडिएंट जो आपके हैं वो उसमें भी यूज़ होंगे, कोफ्ते में भी और वही ग्रेवी में भी यूज़ होंगे, और ये चने जो है चने की जगह हम बेसन भी यूज़ कर सकते हैं कि चने? हाँ, बिल्कुल आप बेसन यूज़ कर सकते हैं। ये चने ये समझ लीजिए आपके, अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बेसन को भून लें और भूनने के बाद उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन ये है कि इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है मैंने जहाँ तक नोट किया है, इसका और जो बादाम का पाउडर होता है इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास काजू नहीं थे, नहीं तो मैं काजू का भी पाउडर बना के लाती। शाही कोफ्ते हो जाएंगे बिल्कुल, और फिर बहुत मजे के होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चाहिए? मुझे कटिंग बोर्ड दे दीजिए और नाइफ दे दीजिएगा। अच्छा इसमें 2 लार्ज साइज प्याज डालेंगी, ठीक है। तो मैं अभी प्याज लेंगे, हम पहले उसको क्या नाम है ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम उसको चॉप करेंगे। आप यहाँ पे पतीली भी रख दीजिएगा और उसमें हम ऑयल डाल देते हैं ना गर्म होने के लिए। अच्छा जी 2 प्याज ले लेंगे हम,
ऑयल आप बताए, आप डालेंगे ऑयल ना? जी जी बिल्कुल, 1 कप हम ऑयल डाल देंगे इसमें। सबसे मुश्किल काम है ना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। सबके लिए मुश्किल काम होता है, पता है खाना पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसकी कटिंग में टाइम लगता है। कटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल। और खास तौर पे सब्जियां जब बनाते हैं और मिक्स वेजिटेबल, उसको कटिंग करने में कितना टाइम लग जाता है ये पकाने वाले को ही पता होता है। वैसे वेजिटेबल अगर आपने चाइनीज बनाना हो तो उसके लिए तो आप रात को कटिंग करके उसकी रख दे, सुबह बना ले तो फिर वो तो ऐसे है जैसे कि आपका झटपट बनने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वेजिटेबल का होता है कि आपके वो कट के होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा सा आपको काट के दे दे अगर खुद ही कट करने में सुबह ही करो जैसे हमें पता है कि हमने काम खुद ही करना है, इसलिए हम थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, हम रात को कट के सो जाते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा काम करके सोते हैं, इजी हो जाता है। मान ले तो क्या, काम बहुत होते हैं हमारी डेली की लाइफ में ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्लीनिंग साफ साफ होनी चाहिए और ताकि किचन कम फैलता हो ना। फिर होता है कि कुकिंग करने के बाद जो किचन मैसअप होता है ना, फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप काम करते जाएं, कुकिंग भी, कुकिंग साथ साथ आप क्लीनिंग भी करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको हमने इस तरह से चॉप करना है, ठीक है? ओके। अब हम इसको ना पहले ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप कितना डालेंगे बताइए? 1 कप डाल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल होगा। अच्छा, मैं अक्सर जैसे होता है ना, कोफ्ते को मैं बना के रख लेती हूँ और बस बाद में जैसे ग्रेवी मुझे बनानी होती है तो फ्रीज हुए हुए होते हैं, वो आराम से आपके यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं उसका। हाँ, लेकिन मोस्टली मैं चिकन के कोफ्ते बनाती हूँ, मुझे चिकन पर्सनली पसंद है, मैं चिकन के बनाती हूँ। मुझे पता था मैं आपके लिए चिकन की बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, हमें अपने नाज़रीन का भी ख्याल रखना है ना, तो मोस्टली बीफ के लोग खाते हैं बट ये कभी कभी लोग चिकन भी खाएं। जी हाँ खदीजा, बस जी प्याज को हम डाल देते हैं। अच्छा, आपने 2 प्याज लिए हैं, बड़ी वाली प्याज ली है, अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये हटा दीजिए, अभी भी नहीं, अभी टमाटर डाल देंगे ना। स्पून दे दीजिएगा मुझे, स्पून आपको दे दूँ। अच्छा, जब तक ये हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, हम तब तक यह कि अपने कोफ्तों के जो मसाला है उसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए, तो मैं आ जाती हूँ कोफ्तों की तरफ। गोल्डन ब्राउन करना है? जी जी बिल्कुल, नहीं गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, कीमे के अंदर ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छा खदीजा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जैसे मोस्टली हम लोग ग्रेवी में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं, आपने यूज़ नहीं किया? नहीं नहीं, करेंगे, हम भी करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, इसमें हम डाल देंगे धनिया भी, जैसा मैंने बताया कि हाफ हाफ हम इसमें डालेंगे, हाफ हम ग्रेवी में डाल देंगे, ठीक है। बादाम का पाउडर ये भी हम हाफ डालेंगे, हाफ हमने इसमें डाल देंगे। अच्छा, बहुत से लोग पीनट्स भी डालते हैं। जी जी बिल्कुल, सही है ना? वो जो हैदराबादी बनाते हैं ना, तो उसमें पीनट्स और काजू और बादाम। बिल्कुल, तो मैं आपको वही तो बता रही हूँ, काजू मुझे मिले नहीं, अगर होते तो मैं आपको वो भी इसमें डाल के दिखाती, फिर वही सही। इन्होंने कहा ना कि शाही कोफ्ते बन जाते हैं। शाही कोफ्ते बोलने या मुगलाई बोलते हैं उसको, जैसे मुगलाई कौरमा होता है उसमें भी बादाम, लेकिन उसमें बादाम पिसे हुए नहीं होते, उसमें बादाम बड़े आप बड़े डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, छिलके उतार के ना, क्या नाम है, पहले छिलके उतारे होते हैं। हाँ, उसके बाद डालते हैं। बिल्कुल, गार्निशिंग के लिए यूज होता है, लेकिन पकते वक्त भी डालते हैं ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, वरना वो फिर हार्ड रहता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें हमने हरी मिर्चें डाल दी है 2, थोड़ी सी हमने प्याज डाली है, और सॉरी धनिया डाले, और 1 हम छोटी प्याज डालेंगे। अच्छा, कोफ्तों में भी डालेंगे? जी जी बिल्कुल। मेरा सबसे मुश्किल काम होता है प्याज का, बाकी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, जो प्याज है ना वो मैं काटते हुए ना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। सबका हो जाता है, किसी को सजा देनी हो ना तो उनको प्याज दे, प्याज कटा दीजिए, मेरा ये कह कुछ रोना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम कह सकते हैं ना कि भाई हमने मारा है। अच्छा जी, इसको चॉप कर लेते हैं, पीछे में ले जाती हूं इसको। और खदीजा बताइए, आप सर्दियों को कैसे एंजॉय कर रही है? खैर अभी तो कहते हैं ना उसकी आमद है सर्दियों की, अभी तो स्टार्ट है और सुबह बड़ी सर्दी होती है और सुबह के टाइम जरा हो जाता है, लेकिन दोपहर में तो वही गर्मी का मौसम है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एकदम से आएगी अभी ये स्टार्ट ऑफ दिसंबर है ना, क्योंकि अभी तो नवम्बर चल रहा है। हाँ ये तो है जी, नहीं दिसंबर तक में हो ही जाएगी। लेकिन सही बताऊँ, जो कपड़ों का जो पहनने का वो है ना कि आप ड्रेसिंग जब करते हो तो मुझे सर्दियों में बहुत मजा आता है, सर्दियों में आप बड़े कलरफुल कपड़े पहन लेते हो जी, और लॉन्ग शूज जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो सर्दियों में मैं सर्दियों का इंतजार करती हूँ।
किचन का शोर आप सुन सकते हैं, खदीजा बड़ा शोर मचाती है किचन में। अच्छा इसको अच्छी तरह से चॉप करना है, इसके अंदर जो प्याज और वो है हरी मिर्च वगैरह सब अच्छी तरह से चॉप हो जाए। ओके अब मुझे आपकी समझ नहीं आएगी अब क्या बोलेगी। मैं खामोश हूँ, किसी को मेरी समझ नहीं आएगी। ये प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो रही है और जा स्लोली स्लोली जी जी मैं और मैं देख रही हूँ ताकि ये जले ना। सही है अभी? हाँ नहीं नहीं सही है, ठीक है अभी और करें इसको। अभी और करनी है। टमाटर कट करना जी जी। अब मैं बोलना स्टार्ट करूं? जी जी बोलिए आप। मेरा हाथ लग गया है ना तो खाना बड़ा मजे का बनेगा। मैं खाऊंगी नहीं बट थोड़ा सा चखूंगी जरूर। हालांकि मटन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जल्दी आ जाए फिर ये गोल्डन ब्राउन होने वाली है। जी जी बस बेटर कि फिर ये मुझसे ना काम खराब ना हो जाए। आप मुझे बोलेंगे मेरी रेसिपी तो मैंने खराब कर दी। नहीं बोली ठीक है आप मुझे पानी दे दीजिएगा, मैं इस पर थोड़ा सा पानी है। ओके बिल्कुल दो से तीन कतरे डाल लें। सही है। अच्छा जी इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं 1 टेबल स्पून भर के। अब आप इसको ज़्यादा करें, मैं टमाटर काट लेती हूँ तब तक। ओके प्याज लाल करी है उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, वो भी हमें ज़रूरत हुई। अगर ज़रूरत नहीं होती तो आप डायरेक्टली अदरक लहसुन को डाल सकते हैं। और अच्छा जो बाज़ार में भी मिलता अदरक लहसुन, कभी मैं यूज़ करना स्टार्ट हो गई थी बीच में ना तो जल्दी की वजह से, बट क्या हुआ कि जब भी मैं खाना बनाती तो वो खाना में एक वो थी स्मेल सिरके वाली, वो स्मेल आती थी। हाँ जी वो लोग डालते हैं उसमें सिरका ऐड कर लेते हैं। अच्छा वो टेस्ट भी इतना खराब बनता, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये खाना से क्यों बन रहा है। मैं हर चीज वही डाल रही बाद में पता चला। घर में जब अदरक लहसुन पीसते हैं हम उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं कि उसकी ना जरा थोड़ी सी शेल लाइफ बन जाए, ठीक है ना, लेकिन ये कि हम उसमें सिरका नहीं डालते। तो वो अवॉइड क्या करें, बस जो करना चाहे करें बट क्योंकि उसमें खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इट्स बेटर कि हम घर में ही मेहनत करें। जी जहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरा ख्याल है अदरक लहसुन की क्या इतनी मेहनत होगी। हाँ लेकिन वो तन के बहुत से लोग बहुत कम पीसते हैं, हम लोग की मेरी खुद आदत है बहुत सारा पीस के रख लूँ ताकि। अच्छा जी टमाटर ले लेंगे यहाँ पे, लार्ज मैंने टमाटर लिए हैं 3, ठीक है 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा। हाँ जी इसको रख दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी इसको अभी ना थोड़ी देर हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट, इससे ये होगा कि हमारे जो टमाटर है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप कैप लगा दें इसका, मैं ये निकाल लेती हूँ। अच्छा खदीजा चले आप पहले कर लें ग्राइंड कर लें फिर मैं पूछती हूँ आपसे एक सवाल। तो ये हो चुका है हमारा रेडी हो गया। बिल्कुल अच्छा मुझे आपसे किस पूछनी थी खदीजा, इंग्रेडिएंट में जैसे मैं मोस्टली हम लोग जो कोफ्ते में खसखस डालते हैं जी जी, तो आप इसमें यूज़ नहीं कर रही? नहीं इसमें नहीं मैं नहीं कर रही।
सिर्फ इसलिए कि आप बादाम इसमें यूज कर रही हैं? बिल्कुल, इसमें बादाम यूज कर रही हूँ, तो मैं खसखस नहीं डाल रही। अच्छा, क्योंकि मोस्टली हम कोफ्ते में खसखस यूज करते हैं ना। अच्छा जी, ये देखे हमारा कीमा कितना अच्छे से चॉप हो चुका है, प्याज भी इसमें जो डाला था वो भी अच्छे से हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफ्ते बना लेंगे। आप एक प्लेट दे दीजिएगा मुझे अंदर से। आप बॉस चाहे छोटे बनाए चाहे बड़े बनाए, वो आपके ऊपर है। मैं इतने से बनाऊंगी, इस तरह की मैं आपको दिखा देती हूँ एक बना के। इसका यूज हो गया, इसको चाहिए था ना आपको कटिंग इसका? नहीं, अभी भी चाहिए होगा, लेकिन चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इस पे हम लास्ट में डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डालेंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा। अच्छा, अब कोफ्ते को स्मॉल साइज यूज कर रही हैं। इसे चेक करें जरा खोल के, चम्मच चला दे। आप अपना हाथ चला लगाए तभी तो मैं नाम लिखवा रही हूँ। अच्छा, इसकी जगह हम टमाटर जो प्यूरी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ग्राइंड करके भी टमाटर डाल सकते हैं, क्योंकि ना उससे कलर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम इसमें देगी लाल मिर्च डाल देंगे ना, तो हमें ज़रूरत नहीं चीज़ों की। अच्छा अच्छा जी, ये जितने स्पाइसीज हैं ये दोबारा हम इसमें ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, नमक जाएगा हाफ टी स्पून, और इसमें गरम मसाला जाएगा हाफ टी स्पून। अच्छा, ये दो चीज़ें जो है ये हमें लास्ट में डालनी है, अभी नहीं डालनी, ठीक है? अब इसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, ये हमारा मसाला जो है वो लगे ना। डाल बस बस जी जी। ऑयल डालना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम इसको हल्का सा पहले, ये देखे ना हमारे टमाटर जो गल जाएंगे ना, फिर उसके बाद हम दही ऐड कर देंगे। सही है। चलिए, उस दिन आपने मुझे मिस किया, लास्ट बहुत मिस किया, यहाँ तक कि मैं बार बार ऑडियंस से भी कह रही थी कि आप लोग दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो भी जाए और अपना काम आके संभाले। मैं कभी यहाँ थी, एक टांग मेरी वहाँ थी, फिर मैं यहाँ थी, तो मैंने बहुत मिस किया। मैंने तो कहा, मैंने कहा भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको वापस बुलाए भाई, जल्दी से ठीक हो के आ जाए। नहीं, उसे बस ऐसा हुआ कि आवाज़ ही गायब हो गई। एक्चुअली ये होता है कि डेली के रूटीन में हम लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, और सर्दियाँ आने के बावजूद भी गले का ख्याल नहीं करते हैं, बल्कि नहीं पीना चाहिए, बट हो रहा होता है। ठंडा हम लोग फिर भी पीते हैं। आदत है। एक्चुअली थोड़ा सा भी खाना नहीं डाइजेस्ट होता बाहर जब हम लोग होते हैं, बिल्कुल बड़ा डेंजर होता है हमारे उसके लिए। आप एक काम क्या करें ना, आप रोजाना रात को ना शहद गर्म पानी में डाल के पिए, उससे आपकी ना आवाज़ भी ठीक रहेगी, तो आप भी सेट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब तक ये हमारा ग्रेवी तैयार हो रही है और खदीजा मीट पर बना रही है, नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक में, कहीं नहीं जाएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम खदीजा बना रही थी मीट बॉल, एंड हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, बस इसमें दही डालना रह गया। सही, एंड ग्रेवी को हम बार बार चेक करें ताकि वो लग ना जाए, पानी भी डालते जा रहे हैं। और खदीजा की थोड़ी सी रेसिपी कोफ्ते की डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग मोस्टली इसमें खसखस यूज़ करते हैं, खदीजा ने खसखस यूज़ नहीं करी है, उसकी जगह इंस्टेड ऑफ खसखस इन्होंने बादाम यूज़ किया है। जी बादाम है, और इसमें हमने चने का वो पाउडर यूज़ कर दिया है,
तो हमने इसमें खशखश नहीं डाली। अच्छा, बहुत से खदीजा कभी कोफ्ते वो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर सख्त हो जाते हैं, उसके लिए आप कोई रेसिपी बताइए। टूटने का ये होता है कि हमारी ना एक घरेलू आदत है कि हम जब डालते हैं ना डालते फौरन चम्मच हिलाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि आप मत किया करें, जब आप कोफ्ते डालते हैं ना डालने के बाद आप इस तरह पतीली को पकड़ के ना ऐसे किया करें, बस इससे ये होगा कि आपके कोफ्ते जो है ना वो अपनी जगह से हिलते बस यूं ही होंगे, चम्मच हिलाने वाला काम नहीं करें। क्योंकि अक्सर खवातीन ये काम कर लेती है कि कोफ्ते डाले तो फौरन हो जाता है, दिखाओ मैं चेक कर लूँ ऐसे, सो ये नहीं कीजिएगा। यही वजह होती है इसको टूटने की वजह ही यही है। और जो कोफ्ते सख्त हो जाते हैं पकने के बाद उसका यही है कि या तो आप लोग उसको ज़्यादा देर तक पका रहे हो तो पहले फ्राई कर लेते हो, फ्राई भी नहीं करो, आप इसी तरह ही डालो, जब तक हमारी ग्रेवी पकती है कोफ्ते पकेंगे तो दोनों चीज़ें आपको रेडी हो जाएंगी। फ्राई करने वाला काम भी आप छोड़ दें, और जो यूं करते ना चकमा वो भी नहीं करें, ऐसे पकड़े प्यार से और प्यार से हिलाए, मुंह करके डांस करा दे। हाँ, तो डांस करा है। डांस करा है तो फिर प्यारे से वो खुद ब खुद घूम के आएंगे। अभी आपके सामने करेंगे ना हम नहीं करूंगी मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी तो अंदर से डांस कर रहे होंगे। अच्छा कोफ्ते मुझे राइस के साथ पसंद है आपको? मुझे खुद ब्राउन राइस। ब्राउन राइस? मुझे ब्राउन राइस के साथ बहुत पसंद है। मेरे घर में मैं खाती हूँ ब्राउन राइस के साथ और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे सालन के साथ, वो रोटी के साथ उनको अंडा और कोफ्ता हो बस। उसको ये नहीं होता अगर मैं खाली कोफ्ता दूंगी वो कहते हैं ये कोई सालन है, अंडा तो है ही नहीं इसमें, तो मुझे लाजमी होता है कि मैं इसमें अंडे डालती हूँ क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा, अंडे भी दो तरीके से, एक तो बॉईल होके डालते हैं कट करके आप डाल देते हैं, नरगिसी कोफ्ते जो वो नरगिसी कोफ्ते, और दूसरा ये होता है कि जो इसको आप साइड पे उसको मैरिनेट कर देते हो अंडे को हाफ करके, या फिर है ना ये वाला भी काम वो ये वाला होता है, एक होता है जो आप बता रही हो ना हाफ के, वो होता है नरगिसी कोफ्तों में डाला जाते हैं। सही है, नरगिसी कोफ्ते होते हैं कि हमने इस तरह से मीट लेना है उसके अंदर हमने बॉयल किया हुआ एग डालना है और अच्छी तरह से बॉल कर देना है। रोल करने के बाद ये होगा कि उसके अंदर जो अंडा होगा ना वो आप जब पकाओगे, पकाने के बाद कट करोगे तो अंदर से निकलेगा, उसको कहा जाता है नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते, नरगिस के कोफ्ते होते हैं। वैसे नाम कैसे दिया हुआ नरगिसी कोफ्ते? हाँ, अब सोचने वाली बात है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या नाम है नरगिसी कोफ्ते, उसको क्या नाम देना चाहिए वैसे? आप क्या नाम देंगी? अंडे के कोफ्ते, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही कह दो भैया, आप भी नरगिसी कह दो, नरगिस भी कहती होगी, मेरा नाम कहाँ आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन आपने जो एक बात करी ना इसको पतीली को मूव करने की हिलाने की तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। हाँ, ये तो है, ये तो आप सही कह रहे हैं। खदीजा कितना टाइम लगेगा ग्रेवी के लिए? बस यही देखें होगी हमारी, बस इसमें हम डाल देंगे दही को। दही, ओके। टमाटर अच्छी तरीके से चॉप्ड हुए टमाटर थे, वो अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिए, इनका बिल्कुल ही हलवा सा हो गया। हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया था कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से सौते हो जाए, क्योंकि अगर वो खड़े खड़े रहेंगे तो अच्छी नहीं लगती ना ग्रेवी, फिर मुंह में आते हैं फिर मीठे भी लगते हैं। बिल्कुल, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। अच्छा, इसमें आपने ऑयल बहुत कम यूज किया है ना? नहीं, एक कप है ये। अच्छा, के सालन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ओके, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है खदीजा। थैंक यू। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो अरोमा है वो किस चीज़ का आएगा? एक होता है ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो होता है, स्पून चाहिए आपको? कौन सा बादाम का आएगा? ये देखिए, मुझे फोक दे, फोक चाहिए। ओके, लेमन चमचा हिलाती जाऊँ आप डालते जाइएगा, और दही को आप चूल्हे से हटा के डाल लें। बिल्कुल, हटा दो। हाँ जी, ये हटा दो। देखा, मुझे याद है, ये बड़ा गर्म हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, वैसे मेरे साथ रह रहे कि इनको भी पता चल गया हो गई हूँ। इनको दो मिनट के लिए याद यार, हमेशा ना हर चीज़ लर्न करनी चाहिए जो आपको नहीं पता है ना, तो लर्निंग आपने सीख कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, जो भी सीखने को मिले आप सीखो। अच्छा जी, इसमें हम दही डाल देंगे एक प्याली भर के। अभी हम वापस नहीं रखेंगे, पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करना है। अभी आप मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद हम वापस रख देंगे इसमें। अच्छा, अब इसको हम जो है ना कि हमने इसको 5 मिनट के लिए चूल्हे पे अब रखना है हल्की आंच पे, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी भी, तो ये कि हमारे प्याज टमाटर और मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाएगा। सही है, ठीक है जी, अब हम इसको रख देंगे।
अब हम इसमें पानी डाल देंगे, आप इसमें आधा कप पानी कर दीजिए। पानी और चाहिए? जी जी, वो पीछे रखा हुआ है। पहले ये भी डाल दूँ? जी जी डाल दें आप ये, और आधा कप ला के ना, बल्कि थोड़ा सा बस और ला दीजिएगा। अच्छा, और वो भी इसमें ऐड कर दें आप। तब तक हम ये बाकी कोफ्ते बना लेते हैं। आप मुझे बताइएगा। जी जी डाल। ये ज़्यादा है पानी, आप मुझे बताएं, क्योंकि हम पहले सही है। हाँ जी, फिर थोड़ा पहले भी डाल चुके हैं ना। बस अब इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए हमने इसी तरह छोड़ देना है। टेस्ट करनी है, बहुत स्लो हुई भी है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना। आप तब तक मेरे साथ बातें करें। मैं आपसे मजे मजे की बातें करूँ? बिल्कुल। ये खाना बघाड़ती है और मैं बातें बघाड़ती हूँ। खाने का तड़का मेरी बातों को तड़का होता है। जी जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता भाई। हम अगर आपस में बात नहीं करेंगे तो हमारा खाना कैसे पकेगा? बिल्कुल। इसे खामोशी से हम रहेंगे तो हमारे खाने को टाइम टाइम भी पास नहीं होता है, तो बातें करते रहना चाहिए खामोशी में। मुझसे खामोश रहा नहीं जाता वैसे भी। और नाज़रीन, आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और हमें रिस्पांस दिया करें, हमें कॉल किया करें, और कॉल का इंतज़ार होता है हमको, ताकि पता चले कि आप लोग कितना हमसे सीख रहे हैं, कितना पका रहे हैं, या आपको रेसिपीज़ हमारी कैसी लग रही हैं। और रेसिपी तो अच्छी होगी, मज़े की होगी, बस थोड़ी मेहनत करके पकाया करें और बताया करें। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप बिल्कुल परेशानी करें, आप अपना जाए यूट्यूब चैनल पर, वीनस का पेज है वहाँ पर, आप वहाँ से जाके अपनी रेसिपी हमारी ले सकते हैं। कुकिंग विद वीनस के नाम पे आप सर्च करें तो खदीजा आपके वहाँ हाजिर हो जाएगी। आप देखें, घर में भी हाजिर हो जाएगी, खदीजा रेसिपी कार्ड में भी होगी, हमारे किचन में भी है, खदीजा हर जगह पे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरा खुद का एक पेज है, आप वहाँ पे भी जाइए, आपको वहाँ भी मैं खदीजा मिलेगी आपको। जी, केक एंड ग्लेस के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, और वो मेरा खुद का पेज है, आप उसको फॉलो करें। वहाँ पे मेरे तमाम ऑर्डर्स होते हैं जो मैं लेती हूँ, फिर उसके बाद डिलीवर भी करती हूँ, उसकी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ फिर मैं वहाँ लगाती हूँ। तो आप लोग जाइए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, पिक्चर्स वगैरह देखिए, और मुझे मैसेज पे बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आती है, तो मैं आपको वो भी बना के दे दूँगी। और ऑर्डर कीजिए, और जितने ऑर्डर आएंगे तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि आप लोग ऑर्डर करें फिर उसके बाद, और आप मुझे बताइएगा जब जब ऑर्डर आए ना। जी जी बिल्कुल। आज भी आपको पता है मेरे 2 ऑर्डर्स हैं। चलो माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 ऑर्डर्स हैं जो मैंने जाके कंप्लीट करनी है। एक तो मैंने रात को थोड़ा कर लिया था, बाकी जो है जाके करूंगी, तो वो भी आपके साथ पिक्चर शेयर हो जाएगी, आप फिर इंस्टाग्राम पे देखिएगा। बिल्कुल। खदीजा, किस किस चीज़ के ऑर्डर है मुझे बताएंगे आप? मेरे आज 2 केक के ऑर्डर है। एक तो हमारा यूनिकॉर्न केक है, सेकंड मैंने कप केक का ऑर्डर लिया हुआ है। एक तो होते ना छोटे कप केक्स, अब वो कप केक बनाना है मुझे केक की शक्ल में। ओके। तो वो मेरा यानी कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब देखो आज मैं जाके बनाऊंगी, कैसा बनेगा, उसकी पिक्चर भी अपलोड हो जाएगी, फिर आप लोग देखिएगा, तो मुझे बताइएगा आप लोग कैसा लगा। केक से याद आया, आज मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है। ओ माशाल्लाह, आप जरूर विश कीजिएगा जितने लोग हैं, और उसको दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे आपके केक से याद आया, और रात को मैं केक लेकर आई। अच्छा, मेरे माइंड में था कि उसकी बर्थडे ना, आप मुझे बताती, मैं हम लोग यहीं पे उनका सेलिब्रेट कर लेते। कोई बात नहीं, बस केक लेकर आते तो उनको भी सेलिब्रेट हो जाता। दुआओं में याद रखें, और ये कि बस सबके इतनी खुशियों के लम्हात होते हैं जो हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ में ये सबके साथ बांटनी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो मैं आपसे यही बात करती हूँ। अभी परसों मेरा एक केक का ऑर्डर था, वो ना जाना था, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके आना प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने ना कैंसिल कर दिया। अब वो केक बना हुआ मेरे घर पड़ा हुआ था। अब मैं कहूँ कि इसको क्या करूँ, किस तरह करूँ। मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हम ही खा लेते हैं। हमने रात को बोला चलो तुम्हारी बर्थडे कर देते हैं। मेरे बेटे की बर्थडे अगले महीने तो आ ही रही है, तो मैंने कहा चल सिकंदर तेरी बर्थडे कर देते हैं। प्री बर्थडे हो गई। आजकल तो फ्रेंड है ना, हम लोग यार हम लोग के जमाने में होता था सिर्फ जिस दिन बर्थडे होती थी उसी दिन केक कट होता था। आजकल तो प्री बर्थडे, बर्थडे देन हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, बिल्कुल मजा आता है। पूरा महीना चल रहा होता है फिर बर्थडे चल रही है, तो मैं हंसती होती हूँ कि यार हमारे टाइम में तो एक भी नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से कटता था, याद दिलाते थे कि भाई बर्थडे आ रही, गिफ्ट आई अपनी मर्जी का। तो आजकल बड़ा इजी हो गया बच्चों के लिए, हर चीज के लिए केक आ गया, हर चीज का ये लोग ना सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन चलो हमारे लिए तो अच्छा है, हमें ऑर्डर बना है ना, आपके ऑर्डर है वही ना, हमारे तो बहुत अच्छे। आप लोग करते रहे, हम इसी तरह तो आगे आते रहेंगे। पहले तो बिल्कुल बस एक स्टफ केक होता था, कस्टमाइज केक होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, मुश्किल होते हैं उसको बनाना, बहुत मुश्किल होते हैं ये, मुझे लगता है बेकर से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हम लोग को भी आइडिया होती है, उसमें बड़ी मेहनत होती है बहुत ज्यादा। उनकी ना फरमाइशें ऐसी होती है ना कि बाज़ दफ़ा हंसी आ जाती है सुन के, यार कुछ हल्का सा नहीं बता सकते आप लोग।
अच्छा केक पे जो ब्लू कलर यूज होता है ना, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें आप लोग को यूज करना जरूरी होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि लड़कों का फेवरेट ब्लू हो जाता है, लड़कियों का पिंक हो जाता है। मेरे इतने ऑर्डर्स पिंक के आए थे, मुझे सारे कहने लगे कि आपके इतने पिंक ऑर्डर केक के, मैंने कहा क्या करूं भाई, सबको पिंक ही पसंद है, मैं क्या करूं। मेरे पेज पे इतने पिंक ऑर्डर आ चुके हैं ना, मुझे सब कहते होंगे कि लगता है पिंक ही बनाते हैं। गर्ल्स के लिए मोस्टली ऑर्डर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बच्चियों के ज्यादातर पिंक्स के होते हैं ना, कि ये बना दे उसके ऊपर व्हाइट सा कुछ कर दे, लेकिन उसकी बेस पिंक रखनी है आपने, तो फिर मुझे उस हिसाब से चलना पड़ता है जैसे भी कस्टमर कहते हैं। तो ये कि मैं कस्टमर का दिल नहीं तोड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा वो कहते फिर वैसा ही उनको जाता है, फिर आगे से फीडबैक भी अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सबसे बड़ा केक आपने कितना पाउंड का बनाया? मैंने 12 पाउंड का। 12 पाउंड का भी बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 12 पाउंड का बनाया हुआ है। 3 हाइटेड केक बनाया था मैंने, और वो 12 पाउंड का ही बना था मेरा, और माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैंने सारा क्रीम में बनाया था, कोई मैंने उसमें फॉन्डेंट यूज नहीं किया था। वो तो हमें खा के पता चलेगा जी इंशाल्लाह, जब कभी खाने का मौका मुझे मिलेगा। आपके स्टफ जो केक स्मॉल पेस्ट्री वाले बनाते हैं, वो मैंने खाए, बहुत मजे के। कोई नहीं, आपको वो भी हम बनाना सिखा देंगे। बिल्कुल। अच्छा जब इसको थोड़ा तेज कर देंगे, क्योंकि अब मसाले को जो अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी अपनी। ऑयल डालना है खदीजा इसमें? नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस अब आप देखिएगा इसी मसाले में से ही ऑयल हो जाएगा। अच्छा पता नहीं मुझे, मैं शायद ऑयल थोड़ा ज्यादा डालती हूँ। हाँ, जबकि 1 कप ऑयल बहुत होता है। एक हाँ, ये कहते हैं ना 1 किलो चिकन के लिए 1 कप ऑयल बहुत है, इनफ होता है। अगर हम लोग वो कढ़ाई बनाए ना, तो हम ज्यादा ऑयल यूज करते हैं, कि थोड़ा ना वो उसके ऊपर ग्रेवी आती है ऑयल की, लेकिन ये तो सालन है तो सालन। अच्छा मुझे ना बीच में ग्रेवी साइड में ऑयल मुझे अच्छा लगता है, हालांकि नहीं होना चाहिए बट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बार बार बोलूँ इसमें ऑयल कम है। लेकिन खदीजा क्योंकि एक्सपर्ट है, इनको अपनी रेसिपी का आइडिया है, तो उन्होंने उसी के मुताबिक ऑयल डाला है। मैं वही तो कह रही हूँ, आप बार बार कह रही है ना ऑयल का, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं यूज करना ऑयल। मैं चाहती हूँ बीच में आपका ये आ जाए जो ग्रेवी है एंड साइड में वो जाए, जब आप उसको कोफ्ते डाल के मूव करें हाँ, तो वो बड़ा इजी मूव होगा। मैंने डांस देखना है कोफ्तों का, वो मैं आपको दिखाऊंगी आज, आप फिक्र नहीं करें, आपको डांस अच्छा खासा होगा। यूं जा रहे होंगे। अच्छा कोफ्तों में हमने अंडा ऐड नहीं किया उसको, उसमें भी अंडा नहीं किया। मोस्टली लोग यूज करते हैं ना अंडा। देखिए अगर मैंने लिखा तो हुआ रेसिपी कार्ड में अंडे का, लेकिन ये कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि मेरे कोफ्ते जो है ना वो टूटते नहीं, लेकिन ये अंडा इसलिए डाला जाता है कि वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए, कि वो टूटे नहीं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके सामने बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिएगा। रेसिपी कार्ड में मैंने अंडा लिखा हुआ है, एक आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए। इसमें कितना टाइम लगेगा ग्रेवी में? बस इसको 2 मिनट और लगेंगे, ये देखो ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया ना, बस थोड़ा सा और इसको भूनेंगे, इसके बाद की टाइम मुझे कम है। इसके बाद हम कोफ्ते डाल के फिर पानी डाल के छोड़ देंगे जी। बिल्कुल, सिर्फ हमें पिघलाने हैं। मैं तो सोच रही हूं कि जब तक ये हो रही है, हम अपना क्यों ना सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल झटपट झटपट स्टार्ट करते हैं, और वो भी मेरे ख्याल से जल्दी बन जाएगी, वही ना वो भी जल्दी बन जाएगी, तो मैं सोच रही हूं कि उस तरफ आ जाते हैं। अच्छा मीठे में बना क्या रही हैं आप? हाँ जी, मीठे में मैं क्या बना रही हूँ, मीठे में है क्या सरप्राइज? मीठे में है जी, आज सेवैया बना रही हूँ दूध वाली, लेकिन मोटी सेवैया। एक तो होती है पतली सी बारीक वाली, हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मोटी सेवैया यूज कर रहे हैं। और सेकंड, हम इसमें शुगर यूज नहीं करेंगे, हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डालेंगे, ओके। आपको पता है सर्दियों में गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर गुड़ डाल दिया जाए। और आपको मैं एक बात बताऊं कि हम लोग के मेरे घर में नहीं, ना मेरे घर में ना मेरी अम्मी के घर में व्हाइट शुगर यूज नहीं होती, हम लोग ब्राउन शुगर यूज करते हैं, और कभी वो खत्म हो जाती है, नहीं अवेलेबल होती, तो मेरी अम्मा गुड़ मंगवा के उसको पीस के वो करती है। बड़ा मुश्किल होता है उसको तोड़ना, जो यहाँ पे जो गुड़ मिलते हैं बड़े हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। और आपको पता है मेरी नंद के भी घर पे ना ज्यादा ना गुड़ ही इस्तेमाल होता है, वो भी ज्यादा, यानी कि कोई भी मीठी चीज बनाती है ना तो गुड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है उनमें, तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना आज की रेसिपी में गुड़ डाल दिया जाए, कि जरा अच्छी सी भी बने और मजे की भी बने। सही, मीठा तो मैं खाऊंगी, मीठा मेरा फेवरेट है, कमजोरी है मीठा। चले जी, मीठे के लिए मुझे आप बर्तन पकड़ा दें। आपको क्या क्या बर्तन चाहिए? मुझे पतीली दे दीजिएगा। आपको पतीली चाहिए जी? आपको मैं कढ़ाई दूं? हाँ दे दीजिए। आपको सेवैया उसमें फ्राई करनी है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, नाज़रीन जब तक हमारा ग्रेवी स्टार्ट हो, ग्रेवी बल्कि बन रही है, तो हम जाते हैं छोटे से ब्रेक में। कहीं मत जाएगा, हमसे इन टच रहिएगा,
और किसी को कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे, आप ब्रेक से वापस आएंगे, आपका वेट करेंगे, आपको भी हमारा वेट करना है बिल्कुल, आपको टीवी के सामने रहना है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट समन खान। कुकिंग विद वीनस के साथ मेरे साथ हैं शेफ खतीजा, जो कि बना रही हैं कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते की रेसिपी बन रेडी है, हां जी, ऑन द वे है, ऑन द वे है। और मीठे में क्या है, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो मैं बना रही हूं मीठा, जिसमें है सेवइयां। तो सेवइयां ये देखिए मेरे पास मोटी वाली है, एक कप सेवइयां ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे गुड़, हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे, गुड़ डालेंगे क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, ब्राउन शुगर, तो सर्दियों में गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसमें एक कप गुड़ डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें घी डालना है 2 टेबलस्पून, इसमें बादाम डालेंगे और पिस्ते डालेंगे, और दूध है मेरे पास 1 लीटर। अब मुझे एक पतीली दे दीजिएगा, बादाम और इलायची डालेंगे। हाँ सॉरी, इलायची देखिए याद था। आज मैं ना बहुत हेल्प कर रही हूँ, मैं ना 2 दिन के रेस्ट के बाद आई हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि यही बताएं। आज माइंड बहुत काम कर रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चम्मच दे दीजिएगा, चम्मच आपको, ओके ओके सही है, और स्पून भी दे दीजिएगा। अच्छा, बड़ा वाला चम्मच इसको बनाने सही है। अच्छा जी, घी डाल देंगे, घी को हल्का सा गर्म करेंगे। अच्छा, हम इसको सुईयों को फ्राई करेंगे। जी जी, अच्छा मैं समझती थी ये वाली सुईयां फ्राई नहीं होती हैं। नहीं नहीं, ये भी फ्राई होती हैं। और जो कलरफुल वाली होती है वो सिर्फ बॉइल होती है, वो नहीं नहीं, आप उसको भी क्या नाम है हल्का सा करेंगे फ्राई, लेकिन ये कि उसके ऊपर कलर तो आएगा नहीं, ऑलरेडी वो कलरफुल होती है। हाँ। लेकिन आप हल्का सा घी में उसको भी थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। ओके। उसके बाद आप उसको दूध में ऐड करें या पानी में, जैसे आपने बना ली। सही है। अच्छा जी, ये हल्का सा देखे सौते हो रही है। आपने बस इसमें इलायची डाल दी, इलायची डाली है। अब हम इसमें सेवइयां डाल देंगे। सही है। एंड नमकीन भी हमारा बस रेडी होने के लिए, जिसकी आँच हल्की करनी है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। और ये हमारे हैं बीफ के नहीं, मटन के कोफ्ते, और इसको अब हम नरगिसी कोफ्ते भी कह सकते हैं, इसको हम मुगलाई कोफ्ते भी कह सकते हैं। कोफ्ते बाद में डालेंगे आप। जी जी बिल्कुल। नरगिसी कोफ्ते तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अंडे के अंदर होता है, तो हम इसको ऊपर से अंडे डालेंगे। तो देख लेते कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे, ये भी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देते हैं, तब तक हमारी सेवइयां जब वो भी हल्का सा कलर और कोफ्ते डाल के डाल दूं मैं, आप डालें, मैं डाल दूं ताकि टूटे नहीं ना। फिर खदीजा बोलेंगी समन मेरी रेसिपी खराब कर दी। तो मैं इस चीज़ों से बड़ा बचती हूँ, बुराइयां लेने से बचती हूँ। अगर आप ऐसा कर भी लेंगी तो आप ही ने खाने, कोई मसला थोड़ी। नहीं ना, मैं मटन के नहीं खा सकती, आपको पता है मैं बीफ के खा लेती हूँ, एंडर में चिकन के खा लेती हूँ, मटन पता नहीं मुझसे। हालांकि कुछ ऐसी बात नहीं है, बस उससे मेरी दुश्मनी है थोड़ी सी। चले कोई बात नहीं, वो हम आपको खा के बता देंगे कैसे बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बट मैं इसकी ग्रेवी जरूर राइस के साथ ट्राई करूंगी। बिल्कुल, ब्राउन राइस बनाए इसके साथ और वो खाए, वाकई बहुत मजे के। ब्राउन और भगारे राइस भी होते हैं, मुझे भगारे राइस बहुत पसंद है। और अच्छा, ये देखिए हाँ। मैं इस तरह कह रही थी इसको, ठीक है ना। अभी तो हमने इसमें डाले, अब इसको 2 से 3 मिनट वापस ढक के रख देंगे, इससे ये होगा कि जो कोफ्तों का है ना कच्चापन वो हट जाएगा। सही, ठीक है। ये हमने इसमें देगी लाल मिर्च डाली है अपनी। अच्छा, इसमें अब कितना टाइम लगेगा खदीजा हमारे कोफ्तों में? तकरीबन इसमें 5 मिनट लगेंगे इसको ऊपर हल्का सा ना वो पकने में। अच्छा। तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे भी नहीं, बस इसको ऐसे रख देंगे। सही, तब तक हम आ जाते हैं सेवइयां की तरफ। मीठे में सबसे ज्यादा सेवइयां होते हैं, बहुत जल्दी बनती है और मजे की भी होती है। और ये हमारा ट्रेडिशनल है, पुरानी मतलब पुराने वक्तों से सेवइयां मीठे में चलता आ रहा है, हमारे फेस्टिवल हो, हमारा ईद का त्यौहार हो, बकरीद का त्यौहार हो, तो माशाल्लाह हर घर में बनती हैं। हाँ, सेवइयां जरूरी होती हैं, रात से ही उसकी तैयारी हम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सुबह से हम लोग के मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं, ईद में भी बकरीद में भी। अच्छा जी, ये देखिए हल्का सा हो गया, तो अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। सही है। अच्छा, इसको हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं किया, जो दूसरी जो बारीक वाली होती है उसको ब्राउन होती है, बस हमने इसको हल्का सा कलर देना था। और सही है।
इसको कितनी देर लगेगी पकने में? जब तक दूध में बॉयल आ जाएगा तब हमारी सेवइयां भी पक जाएंगी, लेकिन ये कि हमने इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है तो हम इसको पकने देंगे। अच्छा, तकरीबन आपने कितना दूध लिया? कितना? एक लीटर दूध है। तकरीबन ये बन जाएगा 4 कप। ठीक है, दूध हमने इसमें ऐड किया है तो अब इसको हमने रख दिया है। जब तक ये उबाल आएगा उसमें हमारी सेवइयां जो है वो अपना कच्चापन खत्म कर देंगी, तो अब इसको पकने देंगे हम। अच्छा, मतलब जो 4 कप है उसको हम पका के 2 कप कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इससे ये होगा कि जैसे होता है खीर टाइप सेवइयां, तो ये वैसी बन जाएंगी, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। तो अभी हमने इसमें गुड़ वगैरह नहीं डालना, ये जब पकेंगी तो उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। सही है। तो हम आ जाते हैं कोफ्तों की तरफ। बिल्कुल, कोफ्ते देखिए, आपने मूव करना है ना पतीली? जी जी बिल्कुल, मैं इधर आ जाती हूँ ना। आप इधर आ जाइए, मैं शिफ्ट कर लीजिए प्लीज़। अच्छा जी, स्पून आप इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किएगा, मैंने आपको यही बताया है कि स्पून नहीं आपने करना, ये इस तरह से होंगे। ये देखिए, कोफ्तों को डांस करवाना है आपने। हाँ जी। आपने इसमें बिल्कुल स्पून यूज़ नहीं करना, अगर आपने स्पून यूज़ किया तो कोफ्ते आपके टूट जाएंगे, तो वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। तो आप इसको रखते हैं। अच्छा, आपने दोबारा इसमें एंड में जो देखी मिर्च पेपरिका पाउडर बोलते हैं वो डाला है ताकि कलर अच्छा आ जाएगा एंड में। पहले मैंने उसमें डाल दिया था ये जो हमने चॉप करना था कीमा, उसमें ऐड किया था, तो फिर हमने लास्ट में जो थोड़ा रह गया वो अब डाल दिया इसमें, ये कि कलर जो हमारे घी का है वो अच्छा सा आ जाएगा, रेड रेड सा। सही है। और बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपने ये बादाम का पाउडर है वो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, जब हमारे जो कोफ्ते ना थोड़े से पक जाएंगे ना, कि हम जब चम्मच हिलाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं, उस टाइम हमने इसमें डालने बादाम। और ये चने अपने यूज़ करने चाहिए का पाउडर? बादाम का पाउडर। ओके, आप आ जाइए। जी अच्छा, सर्दियों में कस्तूरी दूध जो होता है का? वैसे यार एक चीज़ मैंने सुनी है कि सर्दियों में ना लोगों को मीठा खाने की बहुत तलब होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे घर में भी ये सीन होते हैं कि सर्दियां आ जाती है ना, तो होता है कि रात में बैठे हुए ड्राई फ्रूट खाते रहते हैं, कुछ मीठा हो घर पे तो वो खाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे इस तरह की सेवइयां हो जाएँ या कुकीज़ हो जाएँ, वो बंदा ना बना के अब रख लिया करे घर में, कि बच्चे बड़े हर कोई रात में बैठा होता है ना, उसको होता है तलब होती है, भूख होती है। हर कोई ना आपकी तरह शुगर नहीं होता, हर कोई नहीं शुगर होता, तो फिर इतना इजी नहीं होता, लेकिन ये रेसिपी बहुत इजी है। बिल्कुल, इसमें जिसको कुकिंग करनी नहीं भी आती हैगी वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट है, जो सिंपल 4 से 5 यूज हुए, दूध ही बॉइल करना है आपको, सेवइयां फ्राई करनी है, देखिए मुझे याद हो गया है, बस आपने इलायची डालनी है एंड में, आपने जो भी आपका ड्राई फ्रूट हो घर में अवेलेबल, जरूरी नहीं है बादाम, जो भी आप जो भी आपके पास हो, पिस्ता हो जाए, किशमिश हो जाए, जैसे ये इनको बहुत पसंद है किशमिश, मुझे नहीं पसंद है, तो वो हो जाए, आप कुछ भी इसमें ऐड करें, लेकिन जो आपके ऑप्शन है, ये मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपके लिए इजी अवेलेबल हो, बिल्कुल आप उसको करें। मुझे ये है कि मैं घर में अगर झटपट कोई चीजें बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरह की बनाती हूँ जो 10 मिनट में पक के रेडी हो जाते हैं और फिर हम लोग खाने के बाद खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खदीजा, इसकी इसको देखना है क्या पक रहेगा? आप फिक्र नहीं करें, वो नहीं टूटेंगे, नहीं टूटे ना, बस पक जाए, जल्दी पक जाए, वो पक जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। मैं चाहती हूँ जब हम मीठा आप लोग के सामने सर्व करें तो हमारा नमकीन भी डिश रेडी हो। बिल्कुल। और क्योंकि अच्छा, उसके बाद हम लोग को अपनी होम रेमेडी भी, जो किचन होम रेमेडी है वो भी आप लोगों को देनी है नाजरीन, तो ये बस जल्दी से पक जाए, उसके बाद फिर हम लोग क्योंकि जहाँ हम लोग चीज़ें घर में यूज़ कर रहे होते हैं खाने की, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको यूज़फुल बनाएं, जैसे कि खदीजा देती हैं हेल्दी टिप्स देती हैं, एंड मैं मेरी कोशिश होती है मैं ब्यूटी टिप्स आपको दूँ, तो नहीं हमारी ये बिल्कुल होती है कोशिश कि जो हम लोग घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, हम कहते हैं ये हमारे काम का नहीं है, तो वो किस तरह से यूज़ करना है फिर उसके बारे में आपको बता दिया जाता है, तो अच्छा नहीं है। सो एक साथ आपको दो दो चीज़ें मिल जाती हैं। बस आपने उसमें मिल्क डाला, बॉयल करी, क्या नाम है, सेवइयां, उसके बाद इसमें इलायची भी डाली है, अब हम इसमें गुड़ डाल दिया ना, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गुड़ थोड़ा अपना कलर देगा, ये देखिए जैसे ब्राउन कलर आ गया ना, देखें आप चेक करें, वाओ कितना अच्छा हुआ यार, अच्छा गाढ़ी भी हो गई है, दूध पक भी गया है, अच्छे खासे टाइम दिया इसके अंदर, 4 आपने कप मिल्क लिया था वो 2 कप रह गया है। और अच्छा पता है आप लोगों ने अगर क्रीमी सेवइयां बनानी होती है, कैरेमल जिसको कहा जाता है, तो आपने यही सेवइयां बनानी है, उसके अंदर जो शुगर होती है ना, एक फ्राई पैन के अंदर शुगर डालिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको रख दीजिएगा, उसको कैरेमलाइज होने दीजिएगा, जब वो अच्छा सा कैरेमल कलर लेकर आ जाएगा ना ब्राउन सा, तो आप वो इसमें ऐड कीजिएगा, तो आपकी वो अच्छी सी कैरेमल सेवइयां बन जाएंगी। अच्छा, वो जो सख्त हो जाता है उसको फिर बेक करके आप डालोगे ना, या फिर ऐसे ही आप डाल देंगे? ऐसे ही आप डाल देंगे, वो अंदर ही हो जाएंगी खुद ब खुद। ओके,
तो वो ये है कि इतना अच्छा आपको कलर देगा, जैसे कि गुड़ ने कलर दिया ना सेम वो कलर आपको वो अच्छा। इसमें हम लोग क्रीम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, और हम खोया डाल सकते हैं। मैं वो चीजें पूछ रही हूँ जो मुझे पसंद है, इसलिए मैं वो चीजें पूछ रही हूँ कि मैं वो डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, आप इसमें खोया डाल सकते हैं, आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं। ये आपके, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप चीज बना सकते हैं अपने हिसाब से कि आप किस तरह से पसंद करते हैं। और मैं एक बार बताऊँ, इसी इसको ना मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। खैर मैं, मुझे सबका नहीं पता, वो दूध दुलारी जो मीठे में होता है क्योंकि उसमें यही सारी मोटी होती है बट कलरफुल होती है, और उसमें छोटी वाली गुलाब जामुन और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। नहीं, वो भी बनाना सिखाऊंगी, वो एक डिफरेंट डिश है, लेकिन ये कि वो कस्टर्ड के साथ बनाया जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ट्राई होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि ये दूध हमारे इतना गाढ़ा हो गया, अगर हम इसमें भी बनाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजे की होगी। अच्छा जी, ये अब हमारा हो गया, इसको हम बंद करते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो गया, इसको भी हम डिश आउट करेंगे दोनों चीजों को अपनी। सही है। अच्छा खदीजा, डिश आउट के लिए मैं आपको जल्दी से बर्तन देती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप ले लें। और ये आप देख सकते हैं कि कुर्ते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई टूटे नहीं हुए। तो हम इसमें अभी डालते हैं आधा कप पानी और दो मिनट के लिए इसको छोड़ दें। खदीजा, ये बादाम आपको चाहिए गार्निशिंग के लिए? गार्निशिंग। और ये शुगर? शुगर चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस सब मैं हटा दूं। अच्छा जी, इसमें हमने अंडे यूज करने। बिल्कुल, बॉयल एग ले लें आप, इसमें डाल दीजिए। आप चाहो तो ऊपर से ही डाल सकते हैं। अच्छा, हम इसको कट करके नहीं डाल लें? नहीं नहीं, सही है, इस तरह से डाल दें आप। आप चाहो तो ऊपर से भी यूज कर सकते हैं, तो ये कि इस तरह भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब आप बर्तन दे दे मुझे डिश आउट। बर्तन ये लीजिए, पहले मैं सेवइयां डाल देती हूँ। अच्छा, पहले आपको सेवइयां डिश आउट करनी है। अच्छा, आप इधर आइए, आप इधर आइए, मैं आपको दे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पर ये कि मेरी बदकिस्मती, मैं मटन नहीं खाती, तो मैं इसके ग्रेवी को चखूंगी और क्या बोलते हैं, मीठा जरूर मैं खाऊंगी क्योंकि मीठा मेरा फेवरेट होता है। बिल्कुल, अच्छा जी। खदीजा, मैं ये डिश आउट कर दूं? मैं कर देती हूं। अच्छा, आप कर दीजिए। आप उसे कोफ्ते टूट जाएंगे, ये मैं हटा दूं? बल्कि जरिए रहने दीजिए, आप बादाम डालिए, बादाम डाल दो, क्रश किए हुए बादाम। और आप भी आपके पास हाथ इस्तेमाल कर लें। हाथ भी और मुंह भी इस्तेमाल करूंगी मैं। अच्छा, मैं इधर ही ला के कर, आप इधर करना चाहते हो, आप इधर हो जाए ना साइड पे। सही है, और ये बर्तन आप पीछे कर दीजिएगा प्लीज, पहले आपके लिए इजी हो जाएगा। आप इधर कोफ्ते, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको चम्मच से नहीं हिलाइएगा, अगर आप लोग चम्मच से हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो आप देखिए कि मैंने चम्मच यूज़ नहीं किया था इसमें, हाथ से ही इसको करती रही हूँ पतीली को घुमा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते ज़बरदस्त से रेडी हैं। जी बिल्कुल, खदीजा ने आपको टिप बताई थी कोफ्ते में चमचा नहीं लगाना था, उसको मूव करना था डालने के बाद, और काफ़ी देर तक हमने स्पून का उस पर टच ही नहीं करना था। बिल्कुल, इस वजह से कोफ्ते बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुए। अमूमन ये होता है कोफ्ते टूट जाते हैं डालने के बाद, तो इसलिए तो आप लोग इसका खास ख्याल रखिएगा। और नाज़रीन, आपके फीडबैक का हम लोग को इंतज़ार रहता है। फीडबैक के लिए बहुत इजी है, हमारा फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे विनर्स चैनल का पेज आप फाइंड करें, बहुत इजीली अवेलेबल हैगा, और उसमें आप अपने कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें रिस्पॉन्स कीजिए। बिल्कुल आप कीजिए। अच्छा जी, ये देखिए हमारी दोनों डिशेज अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, दोनों डिशेज तैयार हैं। हमारी एक रेसिपी थी कोफ्ते मटन के, जी जी, और दूसरी हमारी जो रेसिपी थी मीठा जो था हमारा, खदीजा बताइएगा। जी, मीठा भी देखिए बिल्कुल डन हो चुका है। ये सेवइयां थी, मोटी सेवइयां हम लोगों ने आज बनाई थी दूध वाली, तो ये आपके सामने है किस तरह से है, ये आप बताइएगा, मुझे फीडबैक जरूर कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए कुछ दूं मैं आपको? गार्निशिंग नहीं, मैंने ना मैंने गर्म मसाला ऐड कर दिया, जो मैंने बचाया हुआ था वो मैंने लास्ट में गार्निशिंग कर दिया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो क्यों ना हम होम रेमेडी की तरफ भी चले जाएं फटाफट से। जी नाज़रीन, टाइम है किचन होम रेमेडी का, जहाँ बात होती है किचन के से, किचन के हवाले से वहाँ बात होती है ब्यूटी टिप्स से, तो किचन के हवाले से आप रेसिपी दीजिए, मैं बताती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने इसमें देखा बादाम यूज़ किए हैं, तो सर्दियाँ हैं वैसे भी बादाम खाने चाहिए, तो आप क्या करें, रात को बादामों को भिगो के रख दीजिए, सुबह क्या कहते हैं उसको छिलके उतार के उसको ग्राइंड करके ना दूध में डाल के बच्चों को दें, उससे ये होता है कि बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर भी हो जाएंगे, उससे उनकी जो ना कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी। बच्चों बड़ों दोनों के लिए अच्छा, जहाँ बात चलती है हेल्दी टिप्स की वहाँ बात चलती है ब्यूटी टिप्स की, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ब्यूटी टिप्स के लिए।
हम लोग की स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको सॉफ्ट रखें, और सॉफ्ट होने के लिए ज़रूरी है कि जो मिल्क होता है, मिल्क को आप कॉटन में लगा के और रिंस मतलब थोड़ा सा उसकी जो बलाई होती है वो भी आप अपने फेस के लिए यूज़ कीजिए, तो वो आपके स्किन को बहुत सॉफ्ट रखता है। और नाज़रीन छोटी छोटी टिप्स होती है जो हमारे साथ हम लोग आपको बताते हैं ताकि आपके लिए यूज़फुल रहें। चलें जी, आपने तो टिप के बारे में बता दिया तो मैं अपने बारे में बता दी हूँ। मेरा पेज है केक एंड ग्लेस के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप लोग वहाँ जाइए, ज़रूर फॉलो कीजिएगा उस पेज को। वहाँ पे जितनी पिक्चर्स वगैरह हैं वो सब मेरे ऑर्डर्स बने हुए हैं, डिलीवर कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी देखा करें और वहाँ पे मुझे मैसेज भी क्या करें, आपने कोई ऑर्डर करवाना हो तो आप वहीं पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो जी वो मेरा पेज आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरे पेज को। ये भी हमारा यूट्यूब चैनल पे आता है, मंडे टू फ्राइडे आता है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया करें। अगर कोई भी रेसिपी मिस हो जाती है कि ये चीज़ कैसे डली थी क्या था, परेशानी हुई है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए कुकिंग विद वीनस के, तो आपको सारी रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। हमारा प्रोग्राम चलता है मंडे टू फ्राइडे और 5 बजे टाइम है, तो ज़रूर देखा करें, देखना ना भूला करें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए शेफ़ खतीजा और मुझे कुकिंग विद वीनस के साथ।